ऐसा करते हैं, कल चलेंगे। आज मेरे सर में बहुत दर्द है, और वैसे भी आज ना मुझे जुहेब के साथ बाहर भी जाना है। मुझे पता था तुम यही कहोगी। क्या हो गया सारा तुम्हें? तुम्हें तो पार्टीज बहुत पसंद थी, हर पार्टी की जान होती थी तुम। और अब जब भी तुम्हें कहो कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है फलक, तुम्हें नहीं पता आजकल मैं कितनी टेंशन से गुजर रही हूँ। ये तो तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। हाल देखो अपना, क्या बना लिया है। मुझे तो लगता है तुमने आज कपड़े भी चेंज नहीं किए। आखिर बात क्या है सारा, मुझसे शेयर नहीं करोगी? अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, अगर कोई बात होती तो मैं तुमसे शेयर ना करती। तुम तो जानती हो फलक, मैंने जुहेब को कितनी मुश्किल से हासिल किया है, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। उमेर तक से प्यार का नाटक किया, उमेर जैसा बंदा यार जो मुझे डिजर्व तक नहीं करता। और कितनी चालाकी से, कितनी प्लानिंग के साथ मैंने हादिया को उसकी जिंदगी से निकाला है। वैसे उमेर और हादिया को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये तो मैं हूं जो दोनों को कमरे में बुलाकर लॉक कर दिया ताकि सारा इल्जाम हादिया पर लगा सकूं। और दोनों बेचारे कितनी आसानी से मेरे जाल में फंस गए। वैसे मानना पड़ेगा सारा, क्या कमाल की प्लानिंग की थी तुमने। आज तक किसी को घर में पता भी नहीं चल सका कि तुमने हादिया को तलाक दिलवाई। बस देख लो, सारा जो भी करती है ना बिल्कुल परफेक्ट करती है। ये तो है। वैसे मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। सोचा है शादी के बाद तुमसे क्लासेस जरूर लूंगी कि शोहर को कैसे काबू किया जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं, और तुम्हें तो क्लासेस में फ्री में दूंगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मगर पार्टी में जरूर आना तुम। देखो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, हाँ लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी।